ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही नाराज हो गए। नाराजगी में वे तपोवन स्थित विधानसभा परिषद के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। इतने पर सीएम जयराम ठाकुर जब काफिले के साथ वहां पहुंचे तो मुकेश को जमीन पर बैठा देकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बात की और वे अपने साथ उनको अंदर ले गए। इस दौरान धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया भी सीएम के साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मुकेश मुख्य गेट से गाड़ी भीतर न जाने देने पर नाराज हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार से नाराज होकर धरना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही नाराज हो गए। नाराजगी में वे तपोवन स्थित विधानसभा परिसर के मुख्य गेट पर जमीन पर धरने पर बैठ गए। इतने पर ही सीएम जयराम ठाकुर जब काफिले के साथ वहां पहुंचे तो मुकेश को जमीन पर बैठा देख उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बात की और वे उन्हें अपने साथ अंदर ले गए। इस दौरान धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया भी सीएम के साथ थे। बताया जा रहा है कि मुकेश मुख्य गेट से गाड़ी भीतर न जाने देने पर नाराज हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार से नाराज होकर धरना शुरू कर दिया। तपोवन में आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, जिसमें सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सीएम सहित नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले आज सुबह नेता प्रतिपक्ष की गाड़ियों को ही नहीं मंत्रियों की गाड़ियों को भी परिसर के मुख्य गेट में ही रोक लिया गया, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा सचिव की क्लास ले ली। बताया जा रहा है कि इसी विषय पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पुलिस को भी तलब किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार यहाँ पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आए एमएलएज के लिए है, एमएलएज के लिए, मंत्रियों के लिए, और मुख्यमंत्री सहित स्पीकर जितने भी लोग हैं सबके लिए ये मुख्य द्वार है। लेकिन आप अचानक ही जो है जो एमएलएज के प्रवेश द्वार को सुबह बंद कर देते हैं, बलपूर्वक पुलिस लगा के आपने बंद कर दिया और ये कहा कि एमएलए यहाँ से नहीं जाएंगे और इसमें सिर्फ 4 लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, स्पीकर जाएंगे, डिप्टी स्पीकर जाएंगे या कोई व्यक्ति होंगे, तो हमारा ये कहना है कि क्या ये बिना एमएलए से विधानसभा चला लेंगे?